तो हे गाइस, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं विक प्रो गेमिंग। तो माइनक्राफ्ट की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने माइनक्राफ्ट एडिशन के अंदर किसी भी विलेजर से जो कस्टम ट्रेड है वो ले सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग कोई भी जो विलेजर होते हैं उससे आराम से ट्रेड कर सकते हो और जो आइटम्स है वो ले सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 4 एमरल्ड के बदले मेरे को आयरन जो जूते होते हैं वो दे रहा है। यहाँ पे मैं 15 इसको कॉल दे दूंगा तो ये मेरे को 1 एमरल्ड दे देगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है कोई भी विलेजर जो होता है उसे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि ये जो ट्रेड है ये काफ़ी ज़्यादा महंगी ट्रेड है। अगर आप लोग स्टार्टिंग में खेल रहे हो तो आप लोगों के पास में इतनी चीज़ें मिलती ही नहीं है, और आप लोग उनसे इतनी सारी जो ट्रेडिंग है वो कैसे करोगे। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं 2 ऐसे मेथड बताऊंगा जिनके बाद में आप लोग जो इनकी जो ट्रेड है वो चेंज कर सकते हो। मतलब आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी सामान आप लोगों को चाहिए वो सामान आप लोग इनसे ले सकते हो। तो आप लोगों को बस क्या करना है, वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना है। चैनल पे अगर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइस, अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि वो मेथड कौन कौन से हैं जिनकी मदद से आप लोग जो है विलेजर की ट्रेड जो है वो चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पे निकल के आता है, वो है अपना कमांड ब्लॉक। अब आप लोगों को पता है कि जो कमांड ब्लॉक होता है वो सर्वाइवल के अंदर वर्क नहीं करता है, लेकिन आप लोगों को तो सर्वाइवल के अंदर काम करना होता है। लेकिन अगर आप लोग क्रिएटिव के अंदर कर रहे हो तो आप लोग कमांड ब्लॉक की मदद से इजीली जो है अपनी जो ट्रेड वगैरह चेंज कर सकते हो। लेकिन ये जो कमांड ब्लॉक वाला मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड मेथड है, आप लोगों की तो समझ में नहीं आएगा क्या कमांड डालनी है और क्या क्या कमांड आप लोगों को याद रखनी है। तो आप लोगों को जो बाकी के जो 2 मेथड है ये अच्छी तरीके से याद रख लेने हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि जो नेचुरल ट्रेड आप लोगों को मिलती है विलेजर की तरफ से, आप लोग वही वाली जो ट्रेड है उसी के साथ खेलिए। क्योंकि अगर आप लोग कोई भी ऐसा मोड वगैरह हैक वगैरह यूज़ करते हो तो क्या पता आप लोगों की जो माइनक्राफ्ट की आइडिया वो भी बैन हो जाए, क्योंकि आप लोग माइनक्राफ्ट गेम से विलेजर से छेड़छाड़ कर रहे हो तो आप लोगों को इसके लिए कुछ प्लेंटी भी देनी पड़ सकती है। तो इसलिए चलिए, लेकिन फिर भी मेरा तो काम आप लोगों को बताना, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन से 2 मेथड हैं। सेकेंड मेथड आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से नहीं मिलेगा आप लोगों को वो ऐप। आप लोगों को उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को वो इंस्टॉल कर लेना है। उसका नाम है ब्लॉक टोपोग्राफ। तो आप लोगों को सिंपली वो जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। वो ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से आप लोग कोई भी जो विलेजर होता है उसको स्पॉन कर देना है। स्पॉन करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होता है कि जो ये वर्ल्ड है इसको यहाँ से सेव एंड क्विट कर देना है। सेव एंड क्विट करने के बाद में आप लोगों को जो ब्लॉक टोपोग्राफ वाला जो ऐप है वो ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं वो ऐप आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, यही वाला जो ऐप आप लोगों को इंस्टॉल करना है, ब्लॉक टोपोग्राफ। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ये जितने वर्ल्ड है ये मेरे पहले के वर्ल्ड है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, बनाए हुए हैं मेरे पहले से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं भी जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो वर्ल्ड वाला ये है। इसके अंदर मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए क्रिएटिव के अंदर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रहा मेरा प्लेयर यहाँ पे आसपास में आप लोगों को। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो मेथड है मेरे मोबाइल में ठीक से काम नहीं कर रहा है ऐप के अंदर। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे 2-3 डॉट दिखा देगा, वाइट डॉट दिखाई देगा आप लोगों को, और वो जो वाइट डॉट होते हैं वो विलेजर्स के लिए होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी विलेजर के आप लोगों को जो ट्रेड है वो चेंज करनी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक चंक में सिर्फ आप लोगों को एक ही विलेजर रखना है। अगर आप लोग 1 से 2 ज़्यादा विलेजर रख देते हो तो वहाँ पर जितने विलेजर एक चंक में होंगे उन सभी की जो ट्रेड है वो सेम हो जाएगी। तो आप लोगों को अलग अलग चंक में एक एक विलेजर रखना है ताकि आप लोगों उनकी जो ट्रेड है वो सबकी चेंज कर सको। तो आप लोगों को क्या करना है, उस विलेजर के ऊपर लॉन्ग क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगा ओपन चंक एंटिटी NBT। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक कर दोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से जो रेड फाइल दिखेगी उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को जो बाय और सेल वाले ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप लोग वहाँ से सेल कर सकते हो कि आप लोगों को कौन सा आइटम बेचना है और कौन सा आइटम खरीदना है, आप लोग वहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे ही आप लोग वो सेट करके सेव कर दोगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा सेव। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर दोगे आप लोगों की जो ट्रेड है वो सेव हो जाएगी, और आप लोग वही आइटम अपने जो विलेजर जिसके ऊपर भी आपने वो ट्रेड सेट की है वहाँ से आप लोग उसे वो आइटम दे सकते हो, और जो आइटम आप लोगों ने वहाँ से सेट किया है वो आइटम आप लोग उससे ले भी सकते हो। तो ये है अपना फर्स्ट मेथड जिसकी मदद से आप लोग जो है कस्टम ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये मेथड जो थोड़ा सा हैकिंग टाइप का मेथड है जिसके अंदर आप लोग जो ट्रेड वगैरह अपने हैक वगैरह से किसी दूसरे थर्ड पार्टी ऐप की मदद से चेंज करोगे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो मेथड है इतना ज़्यादा सेफ नहीं है, इसकी मदद से आप लोगों का जो वर्ल्ड है वो करप्ट भी हो सकता है। तो आप लोग ये वाला मेथड यूज़ करने से पहले एक चीज़ काम कर लेना पहले ही, कि आप लोग जो अपना वर्ल्ड है उसका बैकअप रख लेना, ताकि आप लोग अगर करप्ट हो भी जाए कभी गलती से तो वो आप लोग उसको रिस्टोर कर सको।
लेकिन अब जो मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो 100% सेफ मेथड है। वो आप लोग सर्वाइवल में भी यूज़ कर सकते हो। उसकी मदद से आप लोगों को जो भी आइटम चाहिए वो आइटम आप ले भी सकते हो विलेजर से। बस आप लोगों को पता करना है कि कौन सा विलेजर कौन सा आइटम देता है आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या करना है, चलिए जल्दी से जो माइनक्राफ्ट है मैं दोबारा से उसको ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को जो सेकंड वाला मेथड है वो बता देता हूँ कि आप लोग सेकंड मेथड का यूज़ कैसे करोगे अपना कस्टम ट्रेड लेने के लिए विलेजर से। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये वाला जो मेथड है काफ़ी ज़्यादा सेफ मेथड है। इसकी मदद से आप लोग जो है सर्वाइवल के अंदर भी जो कस्टम ट्रेड है वो ले सकते हो, मतलब जो भी आइटम आप लोगों को चाहिए वो आइटम आप ले सकते हो। बस आप लोगों को क्या करना है, कोई भी जो विलेजर होता है उसके सामने उसकी जो वर्क टेबल है वो रख देनी है। वैसे तो आपने कोई भी वर्क टेबल तो रख रखी होगी अपने विलेजर को, वर्किंग टेबल दे के उनको कोई भी विलेजर बना रखा होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जिस भी विलेजर के आप लोगों ने ट्रेड करनी है उस विलेजर के सामने जाना है और उसकी जो वर्किंग टेबल है वो तोड़ देनी है और दोबारा से उसके सामने लगा देनी है। और उसके बाद में इस तरीके से आप लोगों को 2 से 3 बार आप लोगों को काम करना है और दोबारा से बाद में ट्रेड वाला जो ऑप्शन है इसको ओपन करके देखना है। तो आप लोगों को पता मिलेगा कि आप लोगों की जो ट्रेड है वो वहाँ पे चेंज हो चुकी है। धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे ये वाला काम लगातार करोगे तो आप लोगों की जो ट्रेड है वो लगातार चेंज होती रहेगी। थोड़ा सा टाइम ले सकता है कि कई बार 4 से 5 बार आप तोड़े के लगाओ दोबारा से, उसके बाद में ट्रेड चेंज हो। आप लोगों को बस आप लोगों की अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग देख लेना आप लोगों को कौन सा आइटम चाहिए, आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना जो ये वर्किंग टेबल है वो तोड़ वगैरह करके दोबारा से लगा सकते हो। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने बार ये करते हो और आप लोगों का विलेजर है वो कितनी जल्दी आप लोगों को जो कस्टम ट्रेड है वो देना स्टार्ट कर देता है। तो आप लोग इस तरीके से ये जो मेथड है इसका यूज कर सकते हो और ये 100% सेफ मेथड है। अब मैं जानता हूँ कि ये वाला जो मेथड इतना ज़्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं है कस्टम ट्रेड लेने का, लेकिन ये मेथड काफ़ी ज़्यादा सेफ है। आप लोग इजीली अपने सर्वाइवल के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हो, आप लोगों के वर्ल्ड के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग यही वाला मेथड जो है यूज़ करिए। अगर वो ब्लॉक टोपोग्राफ वाला भी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे तो आप लोग वो मेथड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को कमांड वगैरह याद रखने में ज़्यादा आसानी रहती है तो आप लोग कमांड ब्लॉक वाला भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आप लोगों को जो कमांड वगैरह वो मिल जाएगी, आप लोग कमांड वगैरह याद रख लेना, उसकी मदद से भी आप लोग जो कस्टम ट्रेड है वो ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आज वाली वीडियो आप लोगों को जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।